अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका राना की रसोई में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत रसीले और सॉफ्ट एकदम बनने वाले गुलाब जामुन की डिश, जो हम सूजी से बनाएंगे। ईद हो, बकरीद या फिर होली दिवाली, कोई भी त्यौहार हो और मन चाहता है अगर कुछ मीठा खाने के लिए, फटाफट बनने वाली ये डिश है। तो आज हम आपको बना के दिखाएंगे सूजी से गुलाब जामुन। तो हमारे साथ आप बने रहिए और देखिए हम इसमें आगे क्या क्या बताने वाले हैं आपको, पूरी वीडियो देखें आप। बनाना शुरू करते हैं। हमने ये आधा कप सूजी ली है जिसको हमें भूनना है, और ये बारीक वाली सूजी है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा हल्का ही भूनना है। देखिएगा ये भून गई है, हमें बस इतना ही भूनना था, इसका कच्चापन हल्का सा अलग हो गया है। अब इसको हम बर्तन में पलट लेते हैं, दोबारा से फिर यही बर्तन रखते हैं। इसमें डालेंगे ये दूध। दूध दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अगर हमने आधा कप सूजी ली है तो सवा कप हमें दूध लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सोख लेती है सूजी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने एक कप डाल दिया है, थोड़ा मुझे अभी और डालना है। बस इतना डालूंगी, मैंने सवा कप दूध लिया है, और इसको मुझे उबालना नहीं है, दूध को हल्का सा गर्म करना है। मैं दिखा दूंगी आपको किस तरह से गर्म करूंगी मैं। और इसमें अब मैं डालूंगी इलायची का पाउडर। कुटी इलायची डाल दी है हमने। ये देखिए जैसे ही हमारी ये साइडों पे उबलने लगता है, जब ही बंद कर देना चाहिए दूध के लिए। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी ऐड करूंगी चलाते हुए, जिससे कि ये ज़्यादा सख्त ना हो जाए, हमें ये भी ज़्यादा पकाना नहीं है। जब इस तरह से ये हो जाए सूजी, तो गैस को बंद कर दें आप, गैस ना चलने दें, और सब तरफ से समेट समेट के इसको इस तरह से मिक्स करें, जिससे कि ये बिल्कुल करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमें इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। बस ऐसी चाहिए थी हमें। फैले हुए बर्तन में पलट लेंगे इसको। ये अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी होने पर इसको हम मैश करेंगे, जब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कप चीनी ली है, आप चाहो तो सवा कप भी ले सकते हो। और दो कप पानी। ये चीज़ तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा आपको मीठा पसंद हो। और चाशनी भी हमें ज़्यादा तार वाली नहीं बनानी है, चिपचिपी सी बनानी है, जैसे रिफाइंड होता है। और ये इलायची का पाउडर डाल देंगे इसमें, आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हो कलर के लिए। बहुत थोड़ा सा मैं इसमें ये फूड कलर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा बने आएगा हमारे गुलाब जामुन का। ये डो भी हमारा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, हाथ हमारे सहार पाए इतना ठंडा है। इसको अब हम मैश कर लेंगे देसी घी के साथ।
इसके अंदर हमने मावा नहीं डाली है, इसीलिए हम ये घी डाल रहे हैं, जिससे कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और ये एकदम सॉफ्ट बनेंगे। बस यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा ऐसे मस लेंगे इसको, जिससे कि ये ड्राई नहीं रहे। एकदम चिकना डो करना है हमें तैयार। परफेक्ट, जैसी चाशनी हमें चाहिए थी वैसी ये बन चुकी है। ये देखिए, हमें बस चिकनापन चाहिए था, चिपचिपापन। अब गैस को हम बंद करते हैं। डो भी हमारा बन के तैयार है, एकदम चिकना डो बन गया है ये। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें, और अगर फिर भी ये सॉफ्ट नहीं होती है तो इसमें आप हल्का गर्म दूध छींटा लगा लगा के फिर इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हम गोले बनाएंगे, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के बनाएंगे। फटना नहीं चाहिए, जैसे ये फट रहा है ना, ये फटना नहीं चाहिए। हाथ में लेके आप इसको इस तरह से कर लें जिससे कि ये फटे नहीं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। सारे गोले हम इसी तरह से बना लेंगे। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है गरम करने के लिए, रिफाइंड। सारे गोले इस तरह से तैयार करेंगे, आप जैसे चाहें छोटे बड़े कर सकते हैं। रिफाइंड गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे, और हमने रिफाइंड भरपूर लिया है जिससे कि ये खूब डूब के फ्राई हो सके। ये देखिए ये सिक्के तैयार हैं, इनको अब हम निकाल लेते हैं। चाशनी भी हमारी सही तैयार है, जिस तरह की हमें चाहिए थी, न ज़्यादा गर्म है न ठंडी। अगर ये ज़रा ठंडी हो जाए तो इसको हल्का आप गर्म कर लें, ज़्यादा गर्म होगी तो ये हमारे गुलाब जामुन सही सेट नहीं हो पाएंगे, तो हमें बस नॉर्मली गर्म चाहिए। इसमें हम डुबा के रख देंगे गलने के लिए। बन के तैयार है हमारे परफेक्ट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन दोस्तों बन के तैयार हैं, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ये रसीले बने हुए हैं गुलाब जामुन, जो आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। ये उठाना भी मुश्किल हो रहा है मुझसे, ये देखिए कितने स्पंची हैं ये, और ये बिखर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जबकि हमने इसमें कोई मावा भी नहीं डाली है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा हमें आपको कैसी लगी ये हमारी वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।